हे एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ भटोरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 2 चम्मच के करीब सूजी डाल रही हूँ, साथ ही आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। उसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल सके। अब डो की तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल में मैं मैदा डाल रही हूँ, आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच के करीब खाने का सोडा डाल रही हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। दही में यहाँ पे 2 चम्मच यूज़ किया है मैंने। दही मैंने खट्टी यूज़ किया, जितनी खट्टी दही होगी उतना ही अच्छा होगा। देखिए हमारी सूजी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। सूजी डालने से अच्छी क्रिस्पनेस आती है। अब हमें अच्छे से इसको मिला लेना है। अच्छे से इसको मिला लेने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेना है हमें। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम ढक के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा 10 मिनट हो चुका है। हमारा आटा कितना अच्छे से सेट हो चुका है आप देख सकते हैं। हाथों की हेल्प से इस तरीके से हमें कर लेना है। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके हमें इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं। आपको जिस साइज़ के पेड़े चाहिए आप वैसे पेड़े बना सकते हैं। हमारा पेड़ा रेडी हो गया है। अब हमें इसको बेल लेना है। ना ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ज़्यादा मोटा, बिल्कुल इस तरीके से हमें बेल लेना है। देखिए हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको गर्म तेल में डाल देंगे। चम्मच से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा भटूरा कितना जल्दी फूल गया। अब हमें इसको निकाल लेंगे। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितने फूले फूले और क्रिस्पी लग रहे हैं। अब मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से कितने जालीदार बने, जैसे ठेले वालों के होते हैं बिल्कुल वैसे तरीके से। आप सब लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।